Good morning, students. It's your English period, and I am Nima Thur from DAV Public School, Sikar. Today we will read class 4, class 5, subject English, chapter 2, Wonderful Based, part 3. We will read part 3. Today we will do exercises of chapter 2, Wonderful Based. The chapter has completed, and we will do today exercises. Okay, first of all new phrases जो इस चैप्टर में न्यू फ्रेजेस आई हुई हैं इन्हें बताया गया है सबसे पहले. तो इसमें सबसे पहले है इन अ फिक्स, जो आपके वर्ड आया था इन अ फिक्स. इन अ फिक्स का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन, आपको बताया था कि वो जो किस में हो गया था, असमंजस में हो गया था. एस आई टी यू ए टी आई ओ एन सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, हार्ड टू एस्केप फ्रॉम. इन ए फिक्स एक ऐसी स्थिति जिससे कि एस्केप मतलब होता है बचना, जिससे बचना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है. असमंजस की स्थिति, जब कुक को कहा था कि महाराजा ने जब कुक को कहा था कि आप ये जो वेजिटेबल के जो स्क्रैप्स हैं इनको आपको यूज़ करना है, तो वो कौन सी सिचुएशन हो गया में आ गया था. इन ए फिक्स मतलब कि ऐसी असमंजस की स्थिति में आ गया था, वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँगा, तो इसे बोलते हैं इन ए फिक्स. अब सेकेंड जो था आपका फ्लैश अक्रॉस द माइंड, एफ एल ए एस एच, फ्लैश अक्रॉस द माइंड की फ्रेज है. और इसका मीनिंग क्या होता है कि अचानक से दिमाग में कोई आइडिया आना, कि सडनली थिंक, एस यू डबल डी ई एन एल आई, सडनली थिंक ऑफ, अचानक से कुछ सोचना. नेक्स्ट या फिर क्वेश्चन ऑफ द स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग. तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन जो है वो क्या है, इन द पैलेस फॉर, इन द पैलेस फॉर. इसमें क्या पूछा है कि इन द पैलेस महल में किसके लिए, फॉर मतलब होता है के लिए, किसके लिए तैयारियां की गई थी, किसके लिए प्रिपरेशंस की गई थी. तो आपको बताया कि जो प्रिपरेशंस जो थी वो किसके लिए की गई थी, एक ग्रैंड डिनर था और जिसको ऑर्डर किया था महाराजा ने, तो उसके लिए की गई थी. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द प्रिपरेशंस वर फॉर अ ग्रैंड डिनर एक बहुत बड़ा डिनर जो था और उसको किसने ऑर्डर किया था महाराजा ने, विच वॉज ऑर्डर्ड बाय महाराजा. जिसको ऑर्डर किया था महाराजा ने, तो इसका आंसर है
क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून? व्हाई डिड द महाराजा go into the kitchen? Go into the kitchen in the afternoon. क्या मतलब इसका कि महाराजा जो था वो किचन में दोपहर में क्यों गया था? आंसर, वो जो डिशेस बन गई बनी हुई थी कि क्या डिशेस बन गई है उनकी प्रिपरेशन को देखने के लिए गया था, उनको सर्वे करने के लिए गया था. आंसर, द महाराजा went into the kitchen, went into the महाराजा लिखेंगे फिर go का past tense लिखेंगे went फिर into the kitchen to survey the dishes, to survey the dishes that had been prepared for the feast, that had been prepared for the feast. किचन में महाराजा जो था वो सर्वे करने के लिए गया था डिशेस की जो कि प्रिपेयर की जानी थी इसके लिए फीस्ट मतलब दावत के लिए. क्वेश्चन नंबर टू हैज कंप्लीटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट हैड द कुक प्लान्ड, व्हाट हैड द कुक प्लान्ड, व्हाट हैड द कुक प्लान्ड टू डू विद द वेजिटेबल्स, to do with the vegetable scraps. कि वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या प्लान किया था घूमने की भाई वेजिटेबल स्क्रैप्स का वो क्या करेगा? तो आपको पता है वेजिटेबल स्क्रैप्स जो थी उनको वो क्या करने वाला था? फेंकने वाला था. डिश तैयार करने का तो उसने बाद में सोचा था ना. द कुक हैड प्लान, इसमें क्वेश्चन इसे कहेंगे द कुक हैड प्लान है ना, द कुक हैड वेजिटेबल स्क्रैप्स. उसने ये सोचा था कि हम क्या करेंगे इसको फेंक देंगे. टू थ्रो द वेजिटेबल स्क्रैप्स. क्वेश्चन नंबर थ्री इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर.
नंबर फोर जो है वो क्या है कि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स जो होती हैं वो चीज़ें होती हैं जो भी कोई भी हम खाने की चीज़ होती है उसको, खाने की चीज़ जो भी होती है उसको बनाने के लिए जो भी मटेरियल काम में आते हैं, जो भी चीज़ें हम उसमें यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। जैसे कोई भी खाने की चीज़ जिस जिस चीज़ से बनी हुई होती है उसी इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे आपके कोई भी बिस्किट वगैरह है और कोई भी चीज़ जैसे मैगी है, जो भी आप खाते हो तो वो चीज़ें जब आप लाते हो तो उसके पैकेट पर लिखा हुआ होता है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है कि जिस जिस चीज़ों से वो जो आप चीज़ लाए हो वो बनी हुई है ना, उसे क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। Ingredients, I are the things, are the things. Ingredients वो चीजें होती हैं that are used to make a dish. That are used to make a dish. जो कि कोई भी डिश बनाने के काम में आती है। अब आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, सर्कल लगाना है। इस पर सर्कल द इंग्रेडिएंट्स, आई एन जी आर ई डी एन ई एन टी एस, इंग्रेडिएंट्स पर और एरियल। आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि एवियन जो थी वो एक चीज बनाई थी जिसने कुक ने, अब ये एक बॉक्स दिया हुआ है इसमें जो भी आपके थिंग्स दिए हुए हैं उनमें से आपको उस पे टिक सर्किल लगाना है जो एवियन बनाने के काम में आया था। अब देखो ये थिंग्स दिए हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स वो चीजें होती हैं जो भी कोई भी डिश या कोई भी खाने की चीज़ बनाने के काम में आती है तो उन पर सर्किल लगाना है। सर्किल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवियल, एवियल जो बनाई थी आपको पता है इस चैप्टर में एवियल को बनाने के लिए उसने क्या क्या यूज़ किया था, तो इस बॉक्स में जो चीज़ें दी गई हैं उनमें से आपको उस पर सर्किल लगाना है जो एवियल बनाने के काम में आया था। अब देखो इसमें दिया गया है चिलीज दी गई है, सी एच आई डब्ल्यू एफ आई टी एस, कोकोनट, गार्लिक, गार्लिक क्या होता है, लहसुन, ग्राउंडनट, और रोस्टेड पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स ये क्या होती है, ग्राउंडनट तो मूंगफली और रोस्टेड पीनट्स होती है भुनी हुई मूंगफलियां। ब्रोकन बैंगल्स, बैंगल्स क्या होती है, चूड़ियां टूटी हुई, ये कह रहा है ब्रोकन जो बैंगल्स हैं वो भी यूज में आई थी क्या। और इसके अलावा है वुड, कर्ड, बास्केट, वेजिटेबल स्क्रैप्स, पॉट और करी लीव्स। तो ये थिंग्स हैं। अब हमें ये देखना है कि इनमें से एवियन बनाने के लिए क्या क्या काम में आया था। तो देखो इधर चिलीज जो थी वो काम में आई थी एवियन बनाने के लिए, उसमें आई थी तो चिलीज का सर्कल लगा दूंगी। कोकोनट भी काम में आया था, गार्लिक भी काम में आया था, ग्राउंडनट और रोस्टेड पीनट्स काम में नहीं आई थी, ब्रोकन मैंगोस का कोई काम नहीं था, वुड भी काम में नहीं आया था, कर्ड जो था इसने यूज में लिया था, बास्केट, अब बास्केट का कोई यूज नहीं था इसको बनाने के लिए, वेजिटेबल स्क्रैच जो थी ये मैंने इनको यूज किया ही था, और पॉट जो था पॉट में बनाया गया था लेकिन पॉट जो था वो खुद यूज थोड़ी हुआ था, और इसके अलावा है करी लीव्स, करी पत्ता ये भी यूज किया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो गया, और ये आपको समझ में आ गया होगा है ना।
फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड हैज कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर तो बोले एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दिस हैज कंप्लीटेड बोले. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू.